प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी मंगलवार को परिवार सहित एक सड़क हादसे की चपेट में आ गए। यह हादसा कर्नाटक के मैसूर में हुआ। हादसे के समय उनके साथ कार में उनका बेटा, बहू और उनकी पत्नी भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में उनके बेटे और बहू को मामूली चोटें आई हैं और दोनों सामान्य रूप से घायल हुए हैं। हालांकि उन्हें उपचार के लिए SS अस्पताल ले जाया गया। यह हादसा तब हुआ जब दो कार आपस में टकरा गई। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ, वह कार से मैसूर कर्नाटक के नजदीक बांदीपुरा जा रहे थे। उनकी कार कालाकोला में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में उनकी कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत थी कि हादसे होते ही स्थानीय लोग बचाव के लिए दौड़ पड़े। इसके बाद प्रहलाद मोदी के परिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक मैसूर की पुलिस अधीक्षक सीमा लडकर ने घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया है। इस हादसे के बाद गुजराती जागरण की टीम ने प्रहलाद मोदी की बेटी सोनल मोदी से बात की। उन्होंने इस हादसे की जानकारी देते हुए बताया, जब ये हादसा हुआ तब मेरे पिता, माता, भाई और भाभी बेंगलुरु से मैसूर जा रहे थे, जिसमें पिता, भाई और भाभी घायल हो गए हैं और उन्हें अब इलाज के लिए अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। बता दें कि प्रहलाद मोदी गुजरात फेयर प्राइस शॉप्स एंड केरोसिन लाइसेंस होल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।